और अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां के हैदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत डबल मर्डर का 24 घंटे के अंदर एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने खुलासा किया है। पिता पुत्र समेत 5 की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आशनाई में दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। वही हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपियों के परिवार की युवती से मृतक रवि मोदनवाल का अवैध संबंध था, जिसके चलते इनकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मृतक अपने दोस्त मोदनवाल के साथ गोसाईगंज गया था, जहां पर दोस्ती के चलते इश्कबाजी के चक्कर में मनोज को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। मनोज अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, जहां पर प्रेमिका के पति और भाइयों ने उसे भी बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गोसाईगंज कस्बे में ही डंडे से मार मार कर दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि रवि मोदनवाल अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था, जिसके साथ उसका दोस्त मनोज भी साथ में था। दोनों युवक प्रतापगढ़ के रहने वाले बताए जाते हैं। थाना हैदरगंज के कस्बे के बाहर ब्रह्म बाबा तिराहे के पास दोनों ही युवकों का शव पाया गया था। बताया जाता है कि युवकों ने हैदरगंज कस्बे के बाहर ब्रह्म बाबा तिराहे के पास दोनों ही युवकों का शव हत्या करने के बाद फेंक दिया था। शव को पिकअप से फेंकने वाले दोनों ही युवक अयोध्या के राम जन्मभूमि के क्षेत्र के निवासी बताए जाते हैं। हत्या में शामिल 5 और लोगों की पुलिस को तलाश है। वही हत्या में उपयोग किया गया डंडा और पिकअप, साथ ही मृतक का बैग भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। और दोनों युवक जनपद प्रतापगढ़ के पता चले, परिजनों से बात की गई। शुरुआती दौर में बहुत ही कोई वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अज्ञात में ये अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये टोटली एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसका चंद घंटों में ही पुलिस टीम ने अनावरण किया। और उसमें जो चीज़ सामने आई, उसमें ये पता चला कि दोनों मृतकों में एक रवि मोदनवाल का संपर्क थाना गोसाईगंज क्षेत्र के में रहने वाले एक युवती के साथ था, जो कि सोशल मीडिया पे इनकी फ्रेंडशिप हुई थी। उसके बाद से ये लोग संपर्क में थे। परसों जो रवि था अपने साथी मनोज के साथ युवती से मिलने आया था, और मिलने के बाद इनके परिजनों ने, युवती के परिजनों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इन दोनों की हत्या की, और हत्या करने के बाद इनकी डेड बॉडीज़ को पिकअप में डालकर जिस जगह पे बॉडी मिली थी वहाँ पे ले जाके छोड़ आए। साथ ही साथ इन्होंने सभी तरह के साक्ष्य मिटाने के प्रयास किए थे। पुलिस टीम ने अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए न ही सिर्फ इस घटना का अनावरण किया, बल्कि इस घटना से जुड़े तमाम साक्ष्यों को भी इकट्ठा किया, जिसमें जिस पिकअप से बॉडी डिस्पोज की गई थी वो पिकअप बरामद हुई। साथ ही साथ मृतक के पर्स और डॉक्यूमेंट्स जलाए गए थे, वो उसके अवशेष बरामद किए गए। मृतक मनोज के पास एक बैग था, वो बरामद किया गया। इनकी मोटरसाइकिल बरामद की गई। कुल 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जिनके नाम हैं सत्यप्रकाश मोदनवाल, संदीप मोदनवाल, शेरू सिंह, दिलीप और छोटू। सत्यप्रकाश और संदीप पिता पुत्र हैं, और संदीप का साथी है शेरू, और संदीप एक टेंट हाउस चलाते हैं। उनके यहाँ के 2 मजदूर दिलीप और छोटू जो है गिरफ्तार हैं। इस पूरे मामले में 5 अन्य लोग भी इसमें रहे।